जा रहे हैं प्लांट किंगडम का एक छोटा सा पार्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहले हम इंसेट के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ेंगे और फिर इसमें किस पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो अलग से लिखवा कर मैं आपको दे दूंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहली लाइन से। इन प्लांट्स बोथ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। प्लांट्स में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल माइटोसिस से डिवाइड कर सकते हैं। द हैप्लॉयड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। हैप्लॉयड प्लांट बॉडी है वो गैमेट्स माइटोसिस से तैयार करती है, क्योंकि हैप्लॉयड सेल में मियोसिस होता नहीं है, इसलिए हैप्लॉयड प्लांट बॉडी को माइटोसिस से डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन आती है हैप्लॉयटिक में। हैप्लॉयटिक के एग्जाम्पल, हैप्लॉयटिक के एग्जाम्पल आते हैं मेनी एल्गी सच एज वोल्बैक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ कैमोडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। हैप्लॉयटिक में आते हैं और डिप्लॉयटिक में आते हैं अल्गा और फ्यूकस। और ब्रायोफाइट्स एंड ट्रोडोफाइट्स आर हैप्लोडिप्लॉयटिक के ए इंटरमीडिएट कंडीशन होता है हैप्लॉयटिक और डिप्लॉयटिक के बीच में। वो याद रखिए ब्रायोफाइट्स और ट्रोडोफाइट्स होते हैं हैप्लोडिप्लॉयटिक। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो ये लास्ट वाला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है इसे। एक्टोकार्पस पॉलीसिफोनिया केल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉयटिक। ये तीन जो है वो हैप्लोडिप्लॉयटिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूकस एंड एल्गा इज डिप्लॉयटिक। फ्यूकस एक अल्गा है फिर भी डिप्लॉयटिक, ये एक्सेप्शन वाला केस है, ऐसे केस ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत बार आ भी चुका है। ओके, अब हम देखते हैं इसके जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है इसको अलग से निकल के मैंने एक पेज पे लिखता हूँ और आप उसको नोट डाउन करके ले लो। आइए देखते हैं यहाँ इस पर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए अल्टरनेशन जल के अल्गी कहाँ है, हैप्लॉयटिक। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉयटिक। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिप्लॉयटिक। और ये लास्ट वाला लाइन यहाँ पर लिखा है, ये इसलिए फिर से लिखा गया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछी गई ये दो लाइन। एक्टोकार्पस पॉलीसिफोनिया केल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉयटिक, फ्यूकस एंड अल्गा बट डिप्लॉयटिक। ये अल्गा है फिर भी डिप्लॉयटिक एक्सेप्शन केस है। फिर से एक बार लिख लो, अल्गी हैप्लॉयटिक, ब्रायोफाइट्स टेरोफाइट हैप्लोडिप्लॉयटिक, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म डिप्लॉयटिक, एक्टोकार्पस पॉलीसिफोनिया केल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉयटिक, फ्यूकस इज एन अल्गा बट डिप्लॉयटिक। तो बस इतना ही था, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार पढ़िए। अगली बार कभी भी आपको चैप्टर पढ़ना है या कॉन्सेप्ट पढ़नी है तो आप बस इतना पढ़ लेंगे तो भी आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।